न्यूज 11 के विशेष कार्यक्रम बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गिरिडीह आरके महिला महाविद्यालय के प्रांगण में, और जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जो अभी तक तस्वीरें आई है उसमें एनडीए गठबंधन के तहत आजसू को और यूपीए गठबंधन के तहत जो जानकारी मिल रही है जेएमएम को ये सीट दिया गया है, तो इन दोनों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो कई मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, क्या सोच है, वे लोग क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे, देश में कैसा नेतृत्व चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करते हैं यहाँ की छात्राओं से, फिर हम शिक्षकों से भी बात करेंगे। कैसा माहौल है, पहली बार आप लोग वोट कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग तो वोट तो सभी को करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे गिरिडीह में शिक्षा के लिए पहले कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब एक तो महिला कॉलेज एक ही है और यहाँ पे बहुत से मतलब सिर्फ यूजी कर पढ़ाई होता है, उसके आगे का पढ़ाई ही नहीं होता है। इसके लड़की लड़की बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ का मतलब कुछ शैक्षणिक माहौल के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ का मतलब उतना अच्छा व्यवस्था भी नहीं है गिरिडीह का, गिरिडीह को अच्छा सबसे अच्छा बनाना चाहिए, यही मेरा मतलब सोच है कि इसी तरह हम लोग वोट देंगे यही सोच के। मतलब स्थानीय मुद्दे जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास है ये वो है, देश में आप कैसा नेतृत्व चाहते हैं? देश में सबसे पहले हम लोग अगर हम एक स्टूडेंट है तो हम लोग सबसे पहले अपना सोचेंगे कि हम लोग का शिक्षा में ही सबसे अच्छा मतलब हो, मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करे, जो ध्यान दे, वैसा नेतृत्व चाहते हैं, वैसा सांसद चाहते हैं। और आपको और क्या, जो शिक्षा का क्षेत्र में तो बात चलेगी, देश जो आज है, देश की जो हालात है, वैसे में एक सोच एक मतदाता के रूप में आपकी क्या है, बताएं जी। मताधिकार सबका अधिकार है, जो भी वयस्क नागरिक है सबको मतदान करना चाहिए, उनका अधिकार है। उनके सहयोग से ही देश में अच्छे प्रतिनिधि हमारे चुन के आएंगे, और हम चाहते हैं हमारा जो प्रतिनिधि हो देश का वो ऐसा हो जो किसी भी पक्षपात ना करे और देश के विकास के बारे में सोचे और विदेशों से भी अच्छे संबंध रखे, देश में मतलब सुरक्षा बनाए रखे देश की और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे। ऐसी सोच है, देश को ऐसा ही चाहिए। सांसद जब बोला जाए कि गिरिडीह का जो सांसद है इस बार आजसू और जेएमएम का उम्मीदवार है, तो आप सांसद से क्या चाहेंगे कि कैसा सांसद हो स्थानीय स्तर पर? सांसद भी वैसा ही होना चाहिए जो अपने प्रखंड का विकास करे, अपने जिले का विकास करे, और ऐसा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो सबके बारे में सोचे, जो धर्मनिरपेक्ष हो और अपने प्रखंड के जिले के विकास के बारे में सोचे तमाम चीज़ों को। हमारे साथ कई अन्य छात्राएं, उनसे बात करेंगे। पहला टाइम भी वोट देने वाली है, कैसा महसूस हो रहा है और उनका क्या सोच है इस चुनाव में जाने से पहले, वे कैसा सोच के साथ, किस सोच के साथ मतदान करने जाएंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार मतदान करूंगी और बहुत ही मतलब अच्छा फील हो रहा है कि आगे चल के मैं भी कुछ ऐसा करूं। कैसा नेतृत्व चाहते हैं आप देश में? वैसा नरेंद्र मोदी जैसा। नरेंद्र मोदी जैसा। आप बताएं आप कैसा नेतृत्व चाहते हैं, क्या सोच है आपको चुनाव को लेकर? नरेंद्र मोदी जैसा। नरेंद्र मोदी वो चीज हमारे देश में किया है उसी के जैसा होना चाहिए, वो जनता के बारे में सोचता है, नरेंद्र मोदी के ही जैसा चाहिए हम लोग को, नरेंद्र मोदी जैसा चाहिए। हाँ। तो सभी की अलग अलग सोच है कि देश का नेतृत्व कैसे हाथों में हो। हमारे साथ कुछ और छात्राएं हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आपकी क्या सोच है स्थानीय स्तर पर, कैसे सांसद हो, कैसा प्रधानमंत्री हो, देश का बागडोर किन हाथों में हो, ऐसे आपकी क्या सोच है? देश का बागडोर तो पहले बात नरेंद्र मोदी के अलावा और किसी के पास जाना नहीं चाहिए, वो हमारे देश का ही भविष्य है। अगर दूसरा बन गया तो पता नहीं देश का क्या होगा, क्योंकि लिए नरेंद्र मोदी हर तरह से सक्षम है। और अभी फिलहाल आप तो देखे रही हैं कश्मीर में जो हमला हुआ है, इसके बाद नरेंद्र मोदी अपना क्या पाकिस्तान के विरुद्ध जो कार्य किए वो उसको देखने के बाद हर जनता के मन में यही सवाल है कि नरेंद्र मोदी ही हम लोग की एक सरकार है और उस वही बनना ही चाहिए। अगर दूसरे के पास बागडोर चला गया तो पता नहीं देश का क्या होगा। आप पहली बार मतदान करने जाएंगे इस सोच के साथ, स्थानीय स्तर पर जैसे शिक्षा की बात कही गई कि शिक्षा की समस्या यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि और क्या गिरिडीह में होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? पहली बात तो ओमेंस कॉलेज का रोड जो एक जरा सा भी अच्छा नहीं है, ये तो फर्स्ट में बनना चाहिए। उसके बाद ओमेंस कॉलेज का, फिर गिरिडीह कॉलेज देखते ही आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, और फिर लाइट का प्रॉब्लम, और क्या बोलते हैं, हाँ क्लास,
जो स्टूडेंट आती है क्लास होता है पता नहीं चलता है कब क्लास हुआ चला गया, वो सब कुछ समझ नहीं आता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे स्कूल में होता है या दूसरा कॉलेज में होता है कि रोज छोटा एक क्लास होता है, उसमें आप स्टूडेंट जाती है वहाँ पे मैम जाती है क्लास करके हम लोग निकल जाते हैं, वैसा होना चाहिए। यहाँ पे होता है कि मैम आती है तो मैम क्लास दूसरा को जाके करवाना पड़ता है। शिक्षा में सुधार चाहते हैं आप? हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमी है वो आप चाहते हैं? सर पानी का भी। आप बताएं कि जो समस्या स्थानीय स्तर पर है, चुनाव है, आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो आपके जो अधूरे कार्य हैं या जो आपका समस्या है उसे दूर कर सके, कैसा चाहते हैं? चाहते हैं क्लास डेली हो और यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है, पानी हम चाहते हैं पानी का। यस सर। तो आप चुनाव में मतदान करने जाएंगे तो जनप्रतिनिधि के सामने बात को रखेंगे कि जो समस्या को दूर करेंगे उन्हीं को वोट देंगे? जो समस्या दूर करेंगे उन्हीं को वोट देंगे जी। तो जो समस्या दूर करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। तो सभी की इच्छा है कि योग्य व कर्मठ जो प्रत्याशी है उन्हें ही चुनकर भेजा जाए ताकि अपने क्षेत्र के साथ देश का संपूर्ण विकास हो सके। हमारे साथ कुछ छात्राएं और हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सोच है। जी, सब कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जैसे नेता चाहिए। लोगों को तो सबको मिला है कि 18 वर्ष के बाद वो वोट दे सकते हैं, पर उसका गलत उपयोग ना करें क्योंकि कोई घुस के वजह से किसी और नेता को चुन लेते हैं। और लोगों को वही करना चाहिए जो उसके लिए सही रहना चाहिए, पैसों के आगे लोगों को नहीं बिकना चाहिए। रही बात क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो तो कोई भी नेता बन सकते हैं, पर नहीं उसके लिए भी कोई तैयारी करना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट के लिए होता 10 पास 12 पास सब के लिए, तो वैसे अगर नेताओं के लिए भी अगर यदि क्वालिफिकेशन मांगा जाए तब जाकर देश का नेता भी अच्छा रहेंगे तो देश भी अच्छा रहेंगे। भविष्य के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो इतना लोग फॉर्म भरते जिसका अप्लाई नहीं हो पाता है, कहीं गुप्त रह जाता है तो कहीं जाता नहीं, तो जाता है तो अप्लाई होने से प्रॉब्लम होता है। और जैसे हमारी कॉलेज में टीचर तो बहुत है पर पढ़ाई करने के लिए नहीं, कभी आते हैं तो कभी जाते हैं, हर चीज़ का क्लास में होना जरूरी होता है, आने जाने का वहन के भी प्रॉब्लम है, ये सब की भी सुविधा होनी चाहिए। बाकी और गिरिडीह में कॉलेज के बीच हर कॉलेज में यही प्रॉब्लम होता है, ताकि अगर यदि सुविधा हो तो कहीं भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। आने जाने में कितने लोग रहते हैं जिसमें घर वाले डरते हैं कि नहीं इस तरह जाएंगे तो मेरी बेटी कहाँ ने कहाँ रह जाएगी, लोग डरते हैं जनता से कि कहीं क्या ने क्या बोलेंगे। इसके लिए रिक्वेस्ट है हमें कि नरेंद्र मोदी अगर यदि नेता बन रहे हैं तो क्या पता इस बार भी उसी का पारी आए, तो कुछ अच्छा करें जिससे कि जनता खुश रहे। और लड़कियों के लिए खास तौर पर ऐसा कुछ करें, लड़कियों के लिए क्या बोलिए क्या करना चाहिए? जैसे महिलाओं के लिए अभी जो वर्तमान सरकार थी महिलाओं के लिए सोची, महिलाओं को उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिया गया, आपकी क्या सोच है और क्या होना चाहिए? सर और भी ज्यादा कुछ अच्छा बेहतर कुछ होना चाहिए। और बेहतर चाहते हैं छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या सोच है आपके मन में? जैसे लड़कियों के आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बता दिया आप बताइए। सर महिलाओं के शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि हर इस देश में यहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे औरत होनी चाहिए, पढ़े लिखे जी। तो हर लोगों की एक ही सोच है, चाहे छात्राएं हो या प्राध्यापक हो, सभी की सोच है कि जिस तरह से नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है उसी तरह से देश के लोकतंत्र के लिए जो राजनेता चुनाव लड़ते हैं उसके लिए भी ये फिक्स होना चाहिए कि वो भी क्वालिफाइड हो, वो भी शिक्षित हो, ताकि उनकी शिक्षा उनकी सोच देश के काम आ सके। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है। बोल जनता बोल कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे कि देश के इस महापर्व में, देश का जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें उनकी क्या सोच है। बोल जनता बोल कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। अब हम जो बात कर रहे थे छात्राओं से, यहाँ के जो प्राध्यापक हैं उनसे भी बात करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उनकी क्या सोच होगी, उनका क्या रोल होगा। नमस्कार, जय लोकतंत्र। हम विशाल लोकतंत्र वाले देश में रहते हैं और हमारा चुनाव होना है, लोकतंत्र का चुनाव होना है। और इस विषय में मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि अभी देश के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होनी है, तो सबसे पहले जरूरी यह है
कि हर व्यक्ति ये समझ ले कि आप जिसे चुन के भेज रहे हैं वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर में जाने वाला है और वहां जाकर देश को संचालित करने के लिए कानून का निर्माण करने वाला है। तो सबसे पहले जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको तो न चुने। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस भारत माता की जय कहते हैं और महान लोकतंत्र वाले संसदीय क्षेत्र संसद में अगर आप अपराधियों को भेजते हैं तो सबसे पहले आप दोषी हैं। मैं तमाम मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि जो दोषी हैं उनको मत चुनिए। जो बढ़िया है, जो ईमानदार है, जो सबके बारे में सोचता है, जो आपकी समस्याओं को संसद तक ले जाता है, जो इधर उधर के बातों में आपको लड़ाता नहीं है, झगड़ाता नहीं है, जो मूल आपके समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करता है, ऐसे लोगों को चुनिए। जो आपके बीच का है, जो आपके बीच में आता है, आपकी बातों को सुनता है, ऐसे लोगों को मत चुने। जो गधे के सींग की तरह हो जाएं, वो आपके यहाँ जीत तो गए, उसके बाद 5 साल नदारद हो गए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जनता को खास इस बार चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी आपराधिक जो गतिविधियां हैं, आपराधिक जो केस हैं, वो अखबार में प्रकाशित हो। मैं तमाम पत्रकारों से आग्रह करूंगा उसे बड़े हेडलाइन में प्रकाशित करें ताकि जनता को पता चले कि आपके बीच में जो उम्मीदवार हैं वो कितने अच्छे पृष्ठभूमि के हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, उनका नजरिया क्या है, इसलिए जाना जरूरी है। मैं एक और अपील करना चाहूंगा कि वैसे उम्मीदवार जो आपराधिक गतिविधि से हैं, जिनकी उपलब्धि अच्छी है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, वह नुक्कड़ पे चौराहे पे अपना पूरा बड़ा सा बैनर लगाएं और पब्लिक पढ़े लिखे लोग उसको देखें। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो पढ़े लिखे लोगों का काम है कि वो अनपढ़ लोगों को बता दे कि फलाना नेता अच्छा है, उसने अच्छा काम किया है, वो अपराधी, उसने अपराधी, वो अपराधी गतिविधि संलिप्त है। जब ऐसा जानकारी होगा, और खास करके अब मैं पढ़ी लिखी लड़कियों से आग्रह करूंगा कि आप भी तमाम लोगों को बता, किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आपने 18 साल पूरा कर लिया है, आप वोट देने वाले हैं, आप बधाई के पात्र हैं, किसी के बहकावे में नहीं आए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने पार्किनर से देखें कि कौन योग्य है, किसको हम जिताएं। योग्य को, आपका कहना है कि योग्य को ही आप वोट दें, चुने। अब हम दूसरे से भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है सर, कि कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए स्थानीय स्तर पर, देश का नेतृत्व करता कैसा होना चाहिए। अभी जो चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ, वो उसके बारे में इन्होंने बहुत सी बात कही है। मुझे ये कहना है इसके लिए कि जब भी हम किसी प्रतिनिधि को चुने तो वो पढ़ा लिखा हो, आपराधिक गतिविधि उसका नहीं हो, और तीसरी बात हमको जो ये कहना है कि हमारे जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको कम से कम एक बार संविधान का पढ़ लेना चाहिए और फर्स्ट पेज संविधान का जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें तमाम वो बातें कही गई हैं जो ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि चाहे वो 70 साल हुकूमत करे, चाहे 65 साल करे, चाहे 5 साल करे, सबका एवेल्युएशन हमको करना है और इस बार मतदाताओं को बहुत जागरूक होकर के वोट देना है। ये नहीं देखना है कि पार्टी कौन है, बैनर कौन है, फला कौन है, हमको ये देखना है कि हमारा प्रतिनिधि तो जाएगा, वो हमारी आवाज़ वहाँ बनेगा या नहीं, हमारी आवाज़ वो नहीं बोलता है तो हम वापस ले आएंगे। गुड, तो साफ कह रहा था कि पार्टी कोई मुद्दा नहीं है, जो बेहतर प्रत्याशी होंगे उनकी, उनके सोच से जो मिलेंगे उन्हीं को चुनकर भेजना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपकी क्या सोच है सर। इस लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव एक अवसर होता है समाज से लेके केंद्र सरकार तक एक अच्छे और स्वस्थ सरकार के निर्माण का, और जिसमें हम संविधान सम्मत बातें, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्त्री पुरुष को ये 5 साल में एक अवसर मिलता है कि ऐसे सरकार का चुनाव करें जो समदर्शी समावेशी समाज की स्थापना करने में, चहुमुखी विकास करने में, सबके विकास करने में और दूर दृष्टि रखे, एक शक्तिशाली प्रजातंत्र की स्थापना में अपना वर्चस्व दिखाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को इतनी मजबूत करे कि लोगों को यह सोचना पड़े कि इस देश की सरकार इतनी मजबूत है कि हम बहुत साधारण ढंग से कोई भी काम इस सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, एक सोच होती है जिसको हम रूसों के अनुसार कह सकते हैं कि दार्शनिक सोच होती है, सोए में भी समाज के लिए सोचे, ये दार्शनिक सोच होती है किसी भी सरकार के मुखिया के लिए कि वो यह सोचे कि तमाम व्यक्ति जो हमारे देश में रहते हैं, अवस्थित हैं, उनका दिनानुदिन विकास कैसे हो,
शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, तमाम ऐसी सारी व्यवस्थाओं का स्वस्थ निर्माण कर सके। आपकी क्या सोच है लोकतंत्र में, लोकतंत्र का जो महापर्व होने वाला है उसमें आपकी क्या सोच है स्थानीय स्तर पर और देश स्तर पर नेतृत्व कैसा हो? आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये हमारा देश का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि ये हमारा हथियार है और हम इसका इस्तेमाल अभी इस लोकतंत्र में करने जा रहे हैं। मेरा अपील ये है सभी वोटरों से कि ऐसे लोगों का चुनाव करें जो बुनियादी तौर का, बुनियादी बातों को लेकर के आ गया है। बुनियादी आवश्यकता हमारी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो है ही, साथ ही स्त्री शिक्षा और बच्चों की शिक्षा, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो किसी भी विकासशील देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो विशेष तौर पर स्त्री की शिक्षा और बच्चों की स्वस्थता और पोषक तत्वों पर ध्यान दे। सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगी जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, लोगों की बातों पर ना आए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने विवेक को खुला रखें और देखें कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। खोखले वादों पर ना जाएं, खोखली बातों पर ना जाएं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, भीड़ की ओर ना जाएं और अपने सोच विचार के साथ ऐसे नेता का चुनाव करें जो लोकतंत्र को बचाए। लोकतंत्र को बचाना अत्यंत आवश्यक है अभी के समय में। अभी जो हमारा समय जा रहा है, हमारा लोकतंत्र खतरे पर है और उस लोकतंत्र की रक्षा करना हम भारतवासियों का ये अधिकार है। तो अभी अपने वोट के माध्यम से ऐसे नेता का चुनाव करें जो लोकतंत्र की रक्षा करें और इस देश को अधिक से अधिक विकास में ले जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब आप अपनी बातों को रखें कि आपकी क्या सोच है, किस तरह से आप चाहते हैं कि नेतृत्व हो, कैसा नेतृत्व हो जो देश को मजबूती प्रदान करे, आपकी क्या सोच है? हम सबसे पहले तो किसी भी देश का विकास तब होता है जब वहाँ की स्त्री लोग शिक्षित होती है और जब यहाँ पे हर छोटे जॉब के लिए भी मतलब कंपटीशन है, तो अगर अच्छा नेता के लिए भी हम लोग को कोई ना कोई कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टीचर के लिए हम लोग टेट पास करते हैं, लेक्चरर के लिए हम लोग नेट पास करते हैं, तो कोई पॉलिटिकल जो नेता बन रहा है उसके लिए भी कोई ऐसा एग्जाम होना चाहिए जो वो क्वालिफाई करके आए, ताकि इससे देश का भविष्य बहुत अच्छे से हो सके, मतलब उसका भी क्वालिफिकेशन हो। चलिए, ये मांग आपकी है, जनता पूरा सुनेगी आपको न्यूज 11 के माध्यम से, कि नेताओं को भी ऐसे ही टिकट ना दी जाए, उसके भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि जनता सही का चुनाव कर सके। अब चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है तो आप एक संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह का प्रतिनिधि का चुनाव करें? सर, जिसमें वो योग्य हो, जो इस पद को संभालने लायक हो, सभी से अनुरोध है कि वो उसी पोस्ट के लिए चुनाव करें। वैसे ही चुनाव करें। जी सर। आपकी क्या सोच है मैम? मेरी भी सोच यही है कि जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि हाँ वो हर तरह से सक्षम हो और अच्छा हो, उसके अंदर क्वालिफिकेशन का भी कमी ना हो, उसी को वोट दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होगी और वो देश को ज़्यादा आगे की तरफ ले जा सकेगा। अब हम बात करेंगे जो विद्यालय के प्राध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, कैसा स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए, देश का नेतृत्व कैसे हाथों में होना चाहिए, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि लोकतंत्र के महापर्व में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें स्थानीय स्तर पर और देश स्तर पर कैसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए? लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव और जनता की इसमें भागीदारी होती है, क्योंकि हमें मौका मिलता है कि हम अपने देश का नेतृत्व कैसे हाथों में देना चाहते हैं। आज की जनता जागरूक है, समझदार है, वो अपने बुद्धि विवेक से अपना प्रतिनिधि चुनेगी, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हम जब भी अपने प्रतिनिधि चुने तो हर दृष्टिकोण से उसको अपने कसौटी पर कसे कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसके द्वारा हमारे देश का क्या कल्याण हो सकता है। हमें काफ़ी सूझबूझ और ईमानदारी से अपना एक ईमानदार परिपक्व नेतृत्व चुनना चाहिए, ताकि हमारा यह भारतीय लोकतंत्र युगों तक सुरक्षित रहे और विश्व का नेतृत्व कर सके। धन्यवाद।
तो ऐसे नेतृत्वकर्ता का चयन करना है जो देश को शिखर तक ले जाए, आपकी क्या सोच है? मैं भी यही सोचती हूँ कि देश को जो विकास करना है उसके लिए उसके प्रतिनिधि का बहुत ज़्यादा उसमें रोल होता है, और वो सबकी सोच को लेकर, जनता के सुख दुख को लेकर आगे बढ़े, उसके ज़रूरतों को पूरा करे। और विशेष रूप से गिरिडीह के संदर्भ में तो सोचना होगा कि कस्बाई क्षेत्र है, विकास के दौर से गुजर रहा है, इतनी सारी लड़कियां, इतने सारे लोग, इतने सारे यहाँ की जनता और यहाँ की समस्याएं, जो हम लोगों से आके मिलें और अपनी बातों को सामने रखें, जो हमें अच्छे लगे हम उन्हीं को वोट देंगे। सीधे शब्दों में देश में भी आज देश को देखा जा रहा है, स्थानीय स्तर पर तो आपने बातें कह दी, देश स्तर पर कैसा प्रतिनिधित्व चाहते हैं? देश को आगे बढ़ाने वाला चाहिए, और जो सबके लिए सोचे, जो हमारे आगे के लिए अच्छा दृष्टिकोण रखता हो, जिसकी सोच समझ अनुकूल लगे, हम वैसे लोगों को चुनेंगे। हमारे साथ सर भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या संदेश, आपकी क्या सोच है इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। सर देखिए, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव होता हो, चाहे विधानसभा का, चाहे निचले स्तर पंचायत स्तर का, जनता जनप्रतिनिधि चुनती है। तो जनप्रतिनिधि में पहला जो शब्द है वो जन है, जो जन के प्रति जो जिम्मेवार हो वैसे प्रतिनिधि को हमें चुनना चाहिए, जो हमारे प्रति जिम्मेवार हो। और हमारे प्रति जिम्मेवार होने का मतलब होता है कि हमारी हर तरह की स्थितियों से वो वाकिफ हो, और चूंकि हमसे देश बनता है, देश अलग से कोई बहुत अमूर्त चीज़ है नहीं, तो देश हमसे बनता है, तो जन के प्रति जो जिम्मेवार होगा वो जाहिर सी बात है कि वो देश के प्रति भी जिम्मेवार होगा। और केवल केवल देश के बारे में सोचें और जन को गायब कर दें तो ये बिल्कुल हवा हवाई बात है। एक ऐसा प्रतिनिधि जो जन के बारे में सोचे, जन की बुनियादी समस्याओं के बारे में सोचे, और जन की जो परेशानियां हैं कम से कम उससे वो वाकिफ हो। ऐसा नहीं कि वो जो है सो जन की समस्याओं के बारे में वाकिफ ही नहीं है, टपका हुआ प्रतिनिधि अगर कहीं से कोई आ जाता है तो बिल्कुल ऐसे प्रतिनिधियों से हमें बचना होगा। और हम देखें कि वो चारित्रिक रूप से वो किस किस्म का आदमी है, वो लंपट है, गुंडा है, दलाल है, माफिया है, वो कोई ठेकेदार है, तो ये जनता को तय करना है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बारे में सोचे या हवा हवाई बात करे और हमें एक ऐसे सिस्टम की तरफ ले जाए जहां अराजकता है, जहां उग्रवाद है, जहां माने वो जो जनता को शिक्षित करने की जिम्मेवारी के प्रति भी वो अपनी भूमिका न निभाए। तो एक शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ, सार संक्षेप यह है कि जन के प्रति जिम्मेवार प्रतिनिधि ही देश के प्रति जिम्मेवार प्रतिनिधि साबित होता है। जनता को फैसला करना है, उस जनता में हम भी हैं, हम भी यही सोचेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि जन के प्रति जो जवाबदेह हो वैसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए, और वही देश का कल्याण कर सकता है। बोल जनता बोल में गिरिडीह आरके महिला कॉलेज में हम लोगों ने अभी लोगों से बात की, सभी का एक ही बात कहना था कि जो जन के प्रति जवाबदेह हो, जो देश के प्रति जवाबदेह हो, वैसा ही जनप्रतिनिधि का चुनाव इस लोकतंत्र के महापर्व पर किया जाना चाहिए। कैमरामैन निशांत के साथ अरविंद कुमार, न्यूज़ 11, गिरिडीह।